हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको बताएंगे सिरका में मूली कैसे डालते हैं और मिर्ची, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और ये हमारे पेट के लिए ना बहुत फ़ायदा करता है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है सिरका। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में इसके बिल्कुल मत कीजिएगा कैसे हम डालेंगे सिरका में मूली। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हमें यह मूली ले लेनी है, और मूली को ना हमने पहले छील लिया है साफ करके और इसे धो लिया है। इसमें ना पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मूली को इस तरह से लंबाई में हमें पतला पतला कट कर लेना है। ये सिरका वाली मूली ना, जिसे भूख नहीं लगती है, वो अपनी डाइट में इसे शामिल करें, उन्हें भूख लगना चालू हो जाएगी, बहुत फ़ायदा करेगी उनके लिए ये। तो देखिए, इस तरह से पतली पतली मूली को तो हमने कट कर लिया है, और इसी में हमें डाल देनी है हरी मिर्ची। इनके डंठल हम नहीं हटाएंगे, आप चाहो तो हटा भी सकते हो डंठल। और इन्हें भी ना पहले हमने साफ करके धो लिया है, इनमें भी बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सिरका हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसमें ना हम 2 कटोरी के करीब सिरका डालेंगे। ये गन्ने का सिरका है, ये ना किसी भी आप किराना की दुकान से ले सकते हो, ये मार्केट में आसानी से सिरका मिल जाता है। गन्ने का ही सिरका बहुत फ़ायदा करता है। जैसे तो सिरका ना जामुन का भी मिलता है, लेकिन गन्ने का सिरका बहुत फ़ायदा करता है। तो थोड़ा सा इसमें हमने नमक डाल दिया है, नमक को अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। जब भी खाना खाएँ तो अपनी डाइट में मूली और हरी मिर्ची इस तरह से सिरका वाली शामिल करें, तो आपको ना भूख लगना भी चालू हो जाएगी, और जो आपके पेट में कब्ज है या मरोड़ है या आपको शुगर है, उसमें भी बहुत हेल्प करेगा कम करने में। तो इसे ना दबा के हम रख देंगे, और इसे 24 घंटे बाद हमें खाना है, जिससे मूली थोड़ी सी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।